लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि अमित भाई का इतना अच्छा आ गया है बिल, लेकिन सामने वालों को हो रहा है फील। नरेंद्र मोदी जी के पास है बहुत ही अच्छी व्हील, लेकिन दिल्ली में हो रही है दारू के ठेके की डील। माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बहुत ही अच्छी जम गई जोड़ी। बन गई है जोड़ी। फिर कांग्रेस वालों की और आप वालों की कैसे आगे जाएगी गाड़ी? नरेंद्र मोदी जी जानते हैं जनता की नाड़ी, इसलिए बढ़ाई है मैंने दाढ़ी। तो ये जो बिल है नहीं ठीक है, हाँ तो सभापति महोदय है, ठीक है, सभापति महोदय, ये बिल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान की रक्षा करने वाला ये बिल है। मैं सभी सामने वालों को बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक साथ आए हैं, अच्छी बात है। मैं भी आपके साथ था, अब मैं नहीं हूं, तुम उनके साथ क्यों जाते हैं? तो ठीक बात है, आप सब लोग एक साथ आए हैं, लोकतंत्र में आपको अधिकार है, लोकतंत्र में आपको हमें हराने का अधिकार है, हमको तुम्हें हराने का अधिकार है। तुम इनको हराते हराते सत्ता पर बैठे, अब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं। नरेंद्र मोदी जी किसका विरोध नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब का संविधान बदलने वाले नहीं है। मुझे लगता है कि सर ये जो बिल है भी आप लोग बिना मतलब हंगामा करते करते आप हंगामा करते बैठो, उधर ही बैठो, हम इधर बैठने वाले हैं, तो इसलिए आप शांति से चर्चा होनी चाहिए, एक दूसरे का सुनना भी चाहिए। और आप जब से आए हैं तब आप डांटते भी हैं, सब पे प्यार भी करते हैं, हाउस भी चला रहे, बहुत अच्छी बात है, हाउस भी चलना चाहिए और 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी चलना चाहिए।